नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका जीकेएन वर्कशॉप की इस वीडियो पर। दोस्तों ये मेरे पास होंडा साइन है, BS6 की बाइक है और इस बाइक के अंदर स्टार्टिंग का प्रॉब्लम था। तो कस्टमर ने किसी मैकेनिक को दिखाया तो उन्होंने चेक करते टाइम जो है जो फ्यूल पंप होता है उसे तोड़ दिया। तो एक छोटी सी गलती की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ और यहाँ पर बात ये आई कि जो मैकेनिक है इस बाइक के अंदर नया फ्यूल पम्प डालने का है और जो पैसे लगेगा वो एक मैकेनिक भरेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि जो फ्यूल पंप है वो कितने का है और इसका जो पार्ट नंबर है वो क्या है। दूसरा चीज़, ये फ्यूल पंप आप कितने बाइकों के अंदर फिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे इसका जो पार्ट नंबर है वो यहाँ पे आप देखेंगे KOYD01, ठीक। तो ये पार्ट नंबर है और ये 3800 रुपये का फ्यूल पम्प है। इस फ्यूल पम्प को आप होंडा लीवो, CD110 ड्रीम और होंडा साइन, ये तीन बाइकों के अंदर आप फिटिंग कर सकते हैं। और एक्टिवा के अंदर और होंडा SP साइन के अंदर, एक्टिवा 125 के अंदर ये फ्यूल पंप उसका जो डिजाइनिंग है वो अलग आएगा, ठीक। तो आप ये तीन बाइकों के अंदर ये फ्यूल पंप आप आसानी से फिटिंग कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे ये बात करेंगे कि जो फ्यूल पाइप का आपको निकालने के लिए, तो होंडा बाइक के अंदर दो फ्यूल पाइप आया हुआ है। एक ये येलो कलर का इस तरीके से रहता है, ठीक। तो इसे आपको इस जगह पे इस तरीके से पुश करने का रहता है और ऐसा पुश करोगे आप और ये यहाँ से निकल आएगा। तो ये आसानी से निकल जाता है इस तरीके से, देखो ये। और एक इस बाइक के अंदर है तो उसे हम यहाँ से, मैं इसे ओपन करता हूँ दिखाता हूँ। ये बाइक हमारे पास काफ़ी टाइम से खड़ी थी ये, और इसका फ्यूल पंप नहीं मिल रहा था। यहाँ पे आएगा ये ब्लू कलर का, तो ये ब्लू कलर का जो पाइप रहता है इसे आपको यहाँ पर पतला सा पेचकस लेकर इस तरीके से ओपन करना होता है, उसके बाद ये पाइप आपको आसानी से निकल जाएगा। दूसरा एक पाइप आता है जिसके अंदर दोनों साइड से यहाँ पे पुश करना होता है, उसके बाद आपको निकालना होता है, जो हीरो बाइक के अंदर आता है वो। और आपका जो R15 है यामाहा की, उसके अंदर एक कार्बन कलर का आता है इस कलर पे क्लिप, तो उसे आपको बाहर इस तरीके से, जैसा ये येलो कलर, ये ब्लू कलर का है, ये इस तरीके से इसे निकालना होता है, उसी टाइप से आपका R15 के अंदर भी निकालना होता है। तो इस तरीके से इसे फिटिंग करते हैं, ठीक। उसके बाद इसका पाइप लगाते हैं, इधर का लॉक भी नहीं है। पाइप लगाने के बाद इसमें पेट्रोल डालते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो मैं सीधा, ये पाइप लगाने के बाद अभी मैं यहाँ पे आधा लीटर पेट्रोल डाल रहा हूँ। उसके बाद इसका कैप लगाते हैं और यहाँ पे इग्निशन ऑन करते हैं। तो यहाँ देखते हैं फ्यूल पंप चला आ गया। अब इसका प्रेशर चेक कर लेंगे ताकि अपने को ये पता चले कि ठीक। अब मैं इग्निशन को ऑन ऑफ करता हूँ, गया 30 पे रुक जाएगा, ठीक। अब हम इस बाइक को स्टार्ट करते हैं, तो मैं लगाता हूँ सेल्फ। इसका स्टार्ट हुई, थोड़ा आइडल पे छोड़ेंगे ताकि इसका RPM परफेक्ट हो जाए।